Hi students, today we have the fourth part of the story the anime. Dear students I hope by now you must be taking interest in the story and periodically it definitely would have gone to your mind the way we want to put it because the visuals but we have added over here they are directly connected with the text so it's in fact a good interpretation of text Context relationship. Okay, before we start the fourth part, let's revise previous story. In the third part of the story, we read that Doctor Sado and Hana have recognized that the wounded person is American, their enemy. Initially, they plan to put him back into the sea, but their conscience doesn't allow them. So they take the risk to bring him to their home. Sado carries him to the empty bedroom of his deceased father. He is too dirty to operate, so they decide to wash him टू the help of their servant ऑफ Hannah goes to call her. Third part में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सेटा और हैना ने उसे पहचान लिया है कि उन अमेरिकन सोल्जर हैं, उनका शत्रु है शुरू में उन्हें भी लगता है कि क्योंकि उनका शत्रु था इसे सागर में वापस फेंक देना चाहिए परंतु उनकी आत्मा इस बात के लिए उनकी चेतना इस बात के लिए परमिट नहीं करती है और अल्टीमेटली वो उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं डॉक्टर सैडो उसे सीधा अपने पापा के बेडरूम में ले जाते हैं उनके फादर अब नहीं थे तो इसलिए उनका बेडरूम खाली था परंतु इतना गंदा था इस वक्त इतना धूल मिट्टी से सागर की लहरों से गंदा था कि जिससे उनका कालीन मैट्स ख़राब हो सकते थे इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले उसे साफ किया जाए ऑपरेशन से पहले और डॉक्टर सैडो खुद साफ़ करने की बात करता है परंतु उनकी वाइफ खाना उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं यूमी को बुला लेती हूँ वो ओखरा उसे साफ़ कर देगी Let's start the fourth part of the story. This fourth part of the story would start at page number 30 with the sentence that she turned to the nursery and called Yumi and it would end on page number 32 with the sentence help me to turn him he commanded her. Let's begin the story. She turned to the nursery and called Yumi but the children heard her voice एंड at them and गो एंड the boy now nearly 3 months old over the baby's soft black मन she motioned with her mouth you mean come with me वो नर्सरी को जाते हैं डिस्टरेंट नर्सरी का मतलब बहुत शाला होता है और यहाँ मतलब है कि जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो रूम में रखे गए थे और वहाँ यूमी उस नौकरानी का नाम लेती है पर जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं बच्चे वो बच्चे भी उत्सुक होते हैं अपनी माँ की तरफ और उसे अल्टीमेटली हैड टू का मतलब होता है पढ़ा तो जब भी हैड या याप के साथ टू लगता है तो कंपल्शन मतलब पढ़ा हैप टू हैज टू हैड टू ओके तो उसे अंदर जाना पड़ा उनके ओर मुस्कुराना पड़ा ख़ासतौर से उस लड़के के ऊपर जो तीन महीने का ही था और उसने उस लड़के के ना सॉफ्ट बालों के ऊपर से यूमी को हल्की सी आवाज़ में ये भी इशारा कर दिया कि तुम मुझे मेरे साथ चलो यूमी कमी कि वो उनके साथ चले आई पुट द टू बैड यू मे रिप्लाइट हिज रेडी शी वी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू दर्सरी एंड इन द स्लीपिंग ऑन द फ्लोर एंड लाइट दिट यूमी कहती है कि ठीक है ये बच्चा सोने को है मैं इसे सुल देती हूँ इसलिए युमी के साथ ही हाना भी उसके साथ वाला जो बेडरूम था बच्चों का वहाँ चली जाती है और बच्चे को गोद में अपनी गोद में ले रही है अपनी बाजू में लिया है जब तक कि युमि उसका बिस्तर नहीं लगा देती और उसके बाद बिस्तर पर ही उसने बीच में लेटा दिया उस बच्चे को देन हैना लेट क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन द टू सर्वेंट्स एट मास्टर हैड जस्ट दू गार्नर हु वॉज ऑल्सो ए हाउस सवेंट पुट द फ्यू हीयर ऑन हिज अपर लिप हैना जल्दी से और नाजुकता से रसोई में जाती है वहाँ उनके दो घर के जो नौकर थे बहुत ही डरे हुए हैं क्योंकि उनके मालिक ने उनको बता दिया है कि उनके घर में वो शत्रु में है जो माली था और घर का जो नौकर भी था उसने अपने बहुत परिड है मतलब तो टू पुट फ्यू हीय ऑन हर हिल टू तो पुट हीयर्स ऑन हिल्स या जस्ट टू तो पुल द दियर इट मीन्स वर चिंतित होना तो वो गार्डनर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है चिंतित है द मास्टर ऑट नो टू हील द वंड ऑफ दिस वाइट मैन हिड प्लान टू टू हना द वाइट मैन ऑर्ट टू फर्स्ट है फर्स्ट शॉर्ट

उसके बाद सागर की लहरों ने इसे जख्मी किया चट्टानों के साथ तो अगर हमारा मालिक उस व्यक्ति को ठीक करेगा जिसे बंदूक मारना चाहती थी सागर मारना चाहता था तो शायद सागर वन यानी कि आर्मी की सेना और सागर हमारे ऊपर बदला ले लेंगे एक कुछ सुपरस्टिशियस आदमी था और हाना ने भी बहुत शिष्टाचार के साथ जवाब दिया ठीक है मैं आपकी बात आपके मालिक तक पहुंचा दूंगी बट शी हाल साहेब वॉज ऑल्सो फाइट ऑल दू शी वोट सुपरस्टिशियस एज्ड मैन वॉज खुद भी डरी भी हना परंतु वो ओल्ड मैन के जैसे सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी नहीं थी वो यही उसके मन में प्रश्न था कि क्या शत्रु की सेना सहायता करना बेहतर होगा परंतु साथ ही उसने यूमी को भी कह दिया कि तुम तो पानी लेकर के उस कमरे में आ जाओ जहाँ हमने व्हाइट पैन को रखा है शिव एन ट And back the the partitions. Sadow, was not at here. Yumi following put down her wooden bucket. Then she she over to the white man. When she saw him, her thick lips folded sad into stubbornness. Uh, वो सीधी अंदर जाती है और साथ ही अपने पर्दों को खिसका देती है वहाँ पे डॉक्टर सैडव कमरे में नहीं है यू में उनके साथ साथ पीछे जाती है और लकड़ी की बाकर जो बाल्टी थी उसे नीचे रख देती है और खुद white पेन के पास चली जाती है परंतु जैसे उस वाइट पेन को देखती है उसके मोटे मोटे मौठों पर ही गुस्सा आ जाता है स्टबरस यानी हट्टीपन जिद्दीपन आ जाता है आन ने वाइट पेन शीशाट एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ क्राइड एट हर यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू यूमी कहती है कि मैंने किसी वाइट पेन को आज तक नहीं धोया और ना ही मैं इसे इस गंदे व्यक्ति को धोऊंगी पर हाना भक्ति सौर में कहती है कि तुम वही करोगी जो तुम्हारे मालिक तुमसे करवा रहे हैं

ऐसा इस तरह से नहीं है जिस तरह से वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं यानी कि वो अल्टीमेटली उस एनिमी को प्रिजनर को देना चाहते थे ठीक करने के बाद तो नौकर कह सकते कि हमने प्रिजनर को हार्बर किया है अपने घर में रखा है उन्हें समस्या हो सकती थी वेरी वेल शी सैड विद डिग्निटी यू अंडरस्टैंड वी ऑल वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिस् सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ पीस अट आल हैव नथिंग टू डू विद इट यू वर सैड आई एम अ अर पर्सन हट इट इज नॉट माई बिजनेस देन प्लीज ऑन पार्क बड़े गर्व के साथ है ना कहती है अच्छी बात है क्या तुम समझती हो कि हम इस व्यक्ति को ठीक करना ही चाहते हैं और जैसे ही होश में आ जाएगा हम भी इसी कैदी के रूप में सेना को दे देंगे बट तुम्हें कहती है कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ मैं इस उलझन में पढ़ना नहीं चाहती हूँ और ना ही मेरा ये बिजनेस है काम है है ना फिर भद्रता से कहती है ठीक है तो तुम अपने काम में चले जाओ जो तुम्हारा काम है एटफॉन्स यू विल लैब द रूम बट दिस

हैना को अगर योमी के ऊपर गुस्सा ना आया होता उसकी जिद्दीपन पर तो शायद वह अकेले यहाँ पे इस खतरनाक क्वेश्चन में इस भी भयभीत हो जाती डर जाती पर उस ट उस योमी के लिए कहती है कि मोर क्यों मी फिर इसलिए आक्रामक गुस्से में बड़बड़ाती है और साथ ही कहते क्या ये आदमी तो है और वो भी जख्मी निस्सा है क्या करेगा इसको क्यों धोना नहीं चाहती थी इन द कन्विक्शन ऑफ शी बैंड एंड एंटायर अल सुपरिटी ड्रग्स दैट कैप वाइट मैन कवर्ड When she had this his best beer, she tipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. Conviction is a convict, which is a अपने गर्व को अपने उस मालिकपन को स्वीकार करते हुए सुपेरियरटी को स्वीकार करते हुए ना चाहते हुए भी अंपल्सरी भी विद डिसलाइकिंग, मतलब ना चाहते हुए भी ना पसंद करते हुए भी नोट होता है गांठ और रंग होता है पुराने कपड़े तो जो फटे हुए कपड़े थे इसके उन कपड़ों को जो गांठ थी उसे खोल देती है जिससे वाइट मैन अनकवर्ड हो जाता है सामने दिख जाता है और वो उसकी छाती बिल्कुल नंगी हो जाती है उसकी शर्ट खोलने के बाद अब वो साफ तोलिए को जो हम यू में लेके आई थी उसे उस स्टीमिंग गर्म पानी में डाल देती है और उससे सबसे पहले उसका चेहरा धो देती है वाइट मैन का द मैन स्किन मस्ट अ चाइल्ड वॉच यू विंकिंग नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर अ चाइल्ड शी कैप्टन वॉशिंग हेम आंटिल बॉडी वॉश क्वाइट क्लीन बट शी ड्यूअर नॉट टर्न हिम उस व्यक्ति का जो चमड़ी थी बहुत ही गोरी थी बहुत साफ थी जबकि एक्सपोजर उसे मिल चुका जबकि धूप में झुलझ चुकी थी बारिश की बौछारें खा चुकी थी उसके बावजूद भी बहुत अच्छी उसकी स्किन थी बिल्कुल वो ब्राउन मैन था गोरा चिट्टा व्यक्ति था और ऐसे उसके मन में उसने सोच रही थी कि जब वो बच्चा रहा होगा कितना सुंदर होगा उसके मन में ये ख्याल आ ही रहे थे जबकि उस व्यक्ति को पसंद नहीं कर रही थी नापसंद कर रही थी और क्योंकि अब वो व्यक्ति बच्चा नहीं था वो उसे धोती गई जब तक तो उसने उसका ऊपर का बॉडी का पूरा पार्ट नहीं धोया परंतु वो उसके बदलने की हिम्मत नहीं कर पाई तो डेयर नोट होता है डिस्ट्रेंस डेयर नोट का मतलब हिम्मत ना कर पाना तो हिम्मत ना जुटा पाना तो उसे पलटने की हिम्मत नहीं जुटा पाती वीड ना एंगज एंगी रोलिंग द लास्ट द मैन बी चेल्ड छिप दिल्डो वही फिर वो सोचती है कि सैडो कहाँ गया डॉक्टर कहाँ चला गया अब उसका गुस्सा भी ऐब होता है कमजोर हो जाना कम हो जाना जो यूमी के ऊपर उसका गुस्सा था धीरे धीरे कम हो रहा था और वो एंक्शियस थी चिंतित थी और उस चिंता में खड़ी हो जाती अपने आ, हाथ को उस गंदे टॉवल में पहुँच लेती है ये व्यक्ति ठंडा ना हो जाए इसलिए उसके ऊपर वो रजाई को डाल देती है साडो सिकॉल सॉफ्टली ही हियर मैन अबाउट कम इन वैन शिकॉल्टज हैंड और ऐसा लगता है कि सब उसने नाम लिया ठीक उसी बस डॉक्टर सैडो पहले ही दरवाजे पर आ चुका था उसने दरवाजा खोला और अंदर को आ गया उसे देखा कि डॉक्टर सैडो तो सर्जन की एमरजेंसी आपातकालीन थैला को लेकर उस सामान को लेकर के आया है और साथ ही उसने सर्जन का कोट भी पहन लिया है यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट

जो यंत्र थे औजार थे उसके ऑपरेशन करने के उन्हें रख देता है और ये टोकनोवा एल्कोव जो है एक चैपनीज एक्सटर्नल रिसर्स होता है यानी घर के बाहरी पोर्शन जिसके ऊपर छत लगी होती है तो उस कमरे के अंदर जो अलग रूम था उस कमरे के अंदर ये तोलिए को बिछा करके उसमें अपना सामान ऑपरेशन का रख देता है शी वेंट फेस्टोवल्स हिसाइटी बट नाउ हाउ एंक नाउ टू द एंड दाइनिंग टूक आउटल्स दे दीप ऑल पीसीज ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वॉट ट्रेंड द फाइन फ्लोर कवरिंग तोलिया लाओ वो बिल्कुल लग गया मानती हुई अलमीरे की तरफ एंड शब्स की तरफ लग जाती है परंतु एंक्श हैं चिंतित हैं और वहां से उस ट्रॉबल को लाती हैं और ये भी सोचती हैं कि कुछ पुराने मैट्स के टुकड़े थे उन्हें मैं नीचे बिछा देती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि इसका खून से हमारी फर्श गंदा हो जाए शिवेंट हाउ टू द बैक बरेंडा विध कार्डर कैप्ड टिप्स ऑफ मैटिंग विद विच टू प्रोटेक्ट डेलीकेट शर्व्स एंड नाइट्स एंड टू के नाम फॉल ऑफ दम वो बाहर जाती है जहाँ गार्डनर ने कुछ मैट के पीसीज रखे थे बचे हुए जिन्हें वो सर्दियों में पेड़ों को ढकने के लिए इस्तेमाल करता था और उनका मुठे पर लेके आती है शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड एंड ही बिगे टू वॉश द मैं बैक केयरफुली और पहले उसकी आज्ञा का बार काट चुकी थी बिना बताएं और उसकी पीठ को धो रहा था बट वाई शी वैक दिस वॉज यूजलेस द बैड हैॉफ्ट थ्रू द मैट्स परंतु जैसे वो अंदर जाती है वो देखती है कि इसका तो मतलब कोई फायदा नहीं था ब्लड पहले उसका आ चुका था और पूरा मैट को सौंक चुका था उसमें रेस्ट चुका था वो द मैट चिक रज रॉइन सट इज रिप्लाइड नॉट केयर हेल्प मी टू टर्न हिम ही कमांडेड हाउ वो चिखती है वो मैट तो गंदे हाँ, हो गए और शेडो भी कहता हाँ बिल्कुल रॉइन का मतलब खराब हो जाना बेकार हो जाना कि हाँ ये तो बेकार हो गए परंतु वो ऐसे उसने जवाब दिया जैसे लगता था वो उसने कोई परवाह नहीं की उसने केयर नहीं कि उन मैथ्स के बारे में और साथ ही उसने आदेश भी दे दिया कि तुम इसे बदलने में मेरी सहायता करो मैं इसे बदल कर इसका ऑपरेशन करना चाहता हूँ डे स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड यू डेफिनेटली वुड फाइंड आउट द एक्सट्रैक्ट फॉर द असाइनमेंट नीचे आपको कार्यपत्रक मिलेगा उसे प्लीज़ कॉल करके अपनी वर्कशीट को करें दैट्स ऑल